हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 19, जिसमें कि नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसको बनाने का तरीका है सेल या विल के बाद नोट लगाना है। तो चलिए बनाते हैं इस एक्सरसाइज का। पहला वाक्य जो है वह है, मैं उपस्थित नहीं रहूँगा। तो इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो चलिए करते हैं। मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। मैं भूखा नहीं रहूंगा। आई शैल नॉट बी हंगरी। मैं दुखी नहीं रहूंगा। I shall not be sad. हम लोग बीमार नहीं रहेंगे। We shall not be ill. हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। We shall not be present. तुम दोषी नहीं रहोगे। तुम लोग दोषी नहीं रहोगे। यू विल नॉट बी दोषी का गिल्टी। यू विल नॉट बी गिल्टी। आप गरीब नहीं रहेंगे। यू विल नॉट बी पुअर। वह व्यस्त नहीं रहेगी। सी विल नॉट बी बिजी। वे लोग तैयार नहीं रहेंगे। दे विल नॉट बी रेडी। राम उपस्थित नहीं रहेगा। राम विल नॉट बी प्रेजेंट। गीता नर्स नहीं बनेगी। गीता विल नॉट बी ए नर्स। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। I shall not be a doctor. वे लोग नेता नहीं बनेंगे। They will not be leaders. तुम एक किसान नहीं बनोगे। You will not be a farmer. वह भाग्यशाली नहीं होगा। He will not be lucky. मैं अनपढ़ नहीं रहूँगा। I shall not be illiterate. आप लोग धनी नहीं रहेंगे। You will not be rich. Thanks for watching.